हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं एक फार्म हाउस पे गई थी जो यहाँ के मतलब कि दुबई के किसी लोकल का था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत था ये फार्म हाउस। इसमें इन्होंने जानवर भी रखे हुए थे और इनके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और यहाँ पर हर तरह की चीज़ अवेलेबल थी। अगर आप परचेज़ करना चाहें आपको रीज़नेबल प्राइस में भी आप परचेस इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत मतलब कि ऑर्गेनिक चीज़ें हैं मिलेंगी, मीट से लेकर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स सब कुछ आपको ऑर्गेनिक ही मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने काफ़ी यहाँ पे दुम्बे वगैरह भी थे, आगे भी दुम्बे ही थे। अरबी लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर दुम्बे ही पसंद ज़्यादा करते हैं खाने में, लैम को पसंद करते हैं। आगे बकरे वगैरह थे और उससे आगे उन्होंने चिकन रखे हुए थे, देसी मुर्गे रखे हुए थे और बतख रखी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और कबूतर रखे हुए थे। और मतलब कि यहाँ पे हर तरह का मतलब कि एक तरह से मीट अवेलेबल था। दूसरी तरफ इन्होंने ऊँट रखे हुए थे। और अगर आप यहाँ पे ये बकरे या दुम्बे ख़रीदना चाहें तो आप रीज़नेबल प्राइस में आप इनको परचेज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अब ईद है तो ईद पे भी आप इनको परचेज़ कर सकते हैं, आपको रीज़नेबल प्राइस में मतलब कि ये मिल जाएंगे। और आम रूटीन में भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होते हैं ये दुम्बे बकरे। अच्छा, देसी मुर्गा मुर्गियाँ भी होती हैं यहाँ पे, देसी अंडे भी मिल जाएंगे आपको। एक तरह से अगर कहा जाए तो यहाँ पे फुल देसी माहौल था। ये जहाँ पे आपको खजूरों का बाग सा नज़र आ रहा है, इसके आगे इन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगाई हुई थी। हर तरह की यहाँ पे ये सब्ज़ी लगाई हुई थी इन्होंने। एक तरह का इन्होंने आगे जाकर थोड़ा सा ग्रीन हाउस भी बनाया, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ जानवर ही दिखाना है आपको। ये वीडियो की वो लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, शाम का वक्त हो चुका था इस वक्त। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने इनकी टेक केयर करने के ज़्यादातर बांग्लादेश के लोग रखे हुए होते हैं। इस साइड पे इन्होंने थोड़े से छोटे मतलब के मुर्गा मुर्गे रखे हैं, और दूसरी साइड पे इन्होंने थोड़े से बड़े रखे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने बतख और ऊँट वगैरह रखे हुए थे। यहाँ पर आते हैं, हमने सोचा कि हम अपने लिए भी दो चार ज़िब्बा करवा कर ले जाते हैं, क्योंकि इसका जायका ही डिफरेंट होता है। यहाँ पर आकर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि आप किसी दूसरे मुल्क में हैं। पूरा एक तरह से अपना ही कल्चर नज़र आता है, जैसे एक गाँव का कल्चर होता है इस तरह का। अब मैं वहाँ से दोबारा बाहर निकल आई हूँ। इस वक्त शाम का टाइम हो चुका था। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मतलब कि ये चीज़ें परचेज़ करनी है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दूंगी। और बच्चे भी ख़ास करके ऐसी जगह पे आके इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हुए थे और जानवर वगैरह भी थे, तो बच्चे देख कर इनको खुश होते हैं और इंजॉय करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।